Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज की जो गुफ्तगू है वो हम ख़ास तौर पर भारत के हवाले से, जो एक नया भारत है, वो नया भारत जो अपनी पुरानी सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक ऐसी हस्ती को मैं दिल्ली से वीडियो लिंक पर अपने साथ जुड़े हुआ हूँ जो बहुत ही जानी पहचानी है, नौजवान नस्ल से इनका ताल्लुक है। और नए भारत में किस तरह आज की नई नौजवान नस्ल अपना वाइब्रेंट किरदार अदा कर रही है या कर सकती है या करना चाहेगी, इस पे बातचीत होगी। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सोनम महाजन जी का। वेलकम सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैं जब आपका वो ट्विटर अकाउंट देखता हूँ तो उस पर आपका बहुत प्रीसाइज शॉर्ट बायो है, वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। मैं उन पर अलग अलग बातचीत आपसे करूँगा। आप वहाँ पे कहती हैं कि आप इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्लासिकल लिबरल हैं, इन्वेस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हामी हैं, वुमेन राइट्स के लिए काम करती हैं और स्टूडेंट फॉर लाइफ हैं आप। ये सारे बहुत मीनिंगफुल शब्द हैं। जब हम आपका देखते हैं पूरे का पूरा टाइमलाइन जैसे ट्विटर पर ही, तो जिस तरह की आप बात करती हैं इंडिपेंडेंट थॉट की ही बात करती हैं आप, राइट और लेफ्ट के चक्कर में पड़ने की बजाय रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के बीच में तमीज़ करना चाहती हैं और डिफरेंस बताना चाहती हैं। ये तो है जो आपका ट्विटर का जो शॉर्ट प्रीसाइज बायो हमें बताता है। आज खुशकिस्मती से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में खुद से क्या कहेंगी। ताहिर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आपके जो दर्शक हैं उनके साथ मैं अपने थॉट्स साझा कर सकूं, ऐसा मौका आपने मुझे दिया। तो जैसे कि आपने कहा, जो मेरा ट्विटर बायो है इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी, पर मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या फील करती हूँ, कि मैं क्या हूँ। पहले तो जो मेरी जर्नी थी वो पॉलिटिकल हुई, बहुत ही आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक भी था मेरा पूरा सफ़र, और साथ ही साथ बहुत ही अचानक भी ऐसा हुआ। आई यूज़ टू बी अ म्यूट स्पेक्टेटर ऑन ट्विटर अनटिल 2015। In fact, I was not very politically aware in 2014 when Mr. Modi became the Prime Minister. I was more of a person who would come to Twitter to read thoughts and, you know, to create new ideas and find like-minded business individuals jinke saath main apni knowledge sharing kar paun. It was more of a, you know, I used to be more of a business woman. मेरा कोई ऐसे political inclination भी नहीं था तब तक। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ एक पाकिस्तानी ट्रोल आर्मी थी जो मेरे पीछे पड़ गई, और उन्होंने मेरे जो डिस्प्ले पिक्चर थी उस पर बहुत सारे तंज किए कि भाई दिल्ली की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, हिंदू लड़कियाँ ऐसी होती हैं। इट वॉज ऑल आउट ऑफ द ब्लू। तो तब मुझे मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ये किस तरह का ये जो माइंडसेट ये लोग दिखा रहे हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, किसी को उसके रिलीजन के बेसिस पे जज करना, मतलब वेयर डज दिस ऑल स्टेम फ्रॉम। और वैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने रिलीजन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। आई एम अ हिंदू माइनॉरिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, which is now Union Territory. And as a child, I have gone through a lot of communal violence. I have lost my very close friends to Islamic terrorism. But somehow, you know, my parents, like all other Hindu parents, had told us ki ye sab jo hai, ye siyasatdan ye sab karte hain, aur aam logon ka isse koi lena dena nahi hota. तो वो कभी उस समझ में नहीं आया था मुझे, पर वो जब मेरे ऊपर एक विशियस अटैक हुआ बिना किसी यू नो सर पैर के, तो उसने मुझे मजबूर किया ये चीज़ जानने में कि ये एग्जैक्टली मामला क्या है।
और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे जो हम बचपन से झेलते आ रहे हैं, इट हैज अ पॉलिटिकल मोटिवेशन तो फॉर श्योर. सियासतदान तो करते ही हैं, दो कम्युनिटीज के लोगों को बिठाने में ही उनका फायदा होता है. बट इट ऑल्सो हैज अ बिग रिलीजियस मोटिवेशन, एंड दैट्स वेयर माई जर्नी स्टार्टेड. एंड यू नो आई स्टार्टेड टू फिगर आउट कि देर आर पीपल हु आर रेडी टू किल अ फेलो ह्यूमन बींग इन द नेम ऑफ गॉड. सो दिस हैज टू बी टैकल्ड. एंड आई काइंड ऑफ बिकेम दैट न्यू वॉइस यू नो फ्रॉम इंडिया. लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू रेजोनेट विद मी, क्योंकि मेरी जो पॉलिटिक्स थी वो कंजर्वेटिव थी, क्योंकि मैंने खुद एज अ माइनॉरिटी सेक्युलरिज्म के जो फ्रूट्स हैं वो मैंने बहुत खाए हैं जम्मू कश्मीर में. तो यू नो देर इज नो वे आई कुड कीप माई आईज शट एट यू नो दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इन आर सोसाइटी. सो ये ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई और तब से ही मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ये जो बैकग्राउंड है इट वॉज मोर ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी. और तब तक भी मेरे किसी के साथ पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं थी. और अब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कई बार राइट विंग वालों को लगता है दैट यू नो आई एम टू लेफ्ट फॉर देम, क्योंकि अदरवाइज आई एम अ क्लासिकल लिबरल. इवन दो आई इट्स माई पर्सनल बिलीफ कि आप किस तरह की आपकी सोच होती है इससे आपकी पॉलिटिक्स हो सकता है कि वो इत्तेफाक खाए, हो सकता है कि ना भी खाए. यू नो आपकी पॉलिटिक्स जो होती है इट इज मोर टू डू विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो. नाउ समबडी इन डेली हुज नेवर सीन दिस, खैर अब दिल्ली का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि दिल्ली के लोगों ने भी देख ही लिया है, चाहे आप एंटी हिंदू राइट्स की बात करें या फिर जो कल जो हुआ. पर यू नो आप 10 साल पहले अगर दिल्ली के लोगों से बात करते तो लोगों को ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. दे कैन बी लेफ्ट दे बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू बी. जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसको लगता है कि ये जो सारे राइट विंग वाले हैं, ये जो मोदी के भक्त हैं, ये बस नफरत फैलाते हैं. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज में हैं जो यू नो सब सब लोगों को एक ही मापदंड से वो तोलते हैं. इंडिविजुअल्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच कम्युनिटी, राइट. ये चीज़ तो है, पर जो लेफ्ट का जो वो कन्वीनियंस जो वो लेके चलते हैं ना, क्योंकि उनको इन चीज़ों ने कभी अफेक्ट नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली वहाँ तो नहीं फिट इन कर सकती. तो इसीलिए क्या होता है कि राइट विंग के लिए आई एम टू लेफ्ट एंड लेफ्ट के लिए आई एम टू राइट. तो जब आपको जो लोगों के ही जो दो घुट बन गए हैं, जब वो दोनों ही तरफ आपको डिसोन कर देते हैं, तो फिर आपके पास इंडिपेंडेंट होने का ही एक ही रास्ता बचता है. एंड अदरवाइज ऑल्सो आई लाइक बींग दिस वे बिकॉज मुझे ऐसी कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि कोई मुझे कॉल करके बोलेगा कि अरे आपने ये क्यों लिखा, आप हटा दें. क्योंकि ना तो मैंने कभी कोई बॉस बनाया, ना तो मुझे मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल एम्बिशन है. मैं लोगों की बात करती हूँ क्योंकि मैंने खुद झेला है. और खालिस्तान इशू पे भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बिकॉज आई हैव रिलेटिव्स इन पंजाब and I also have friends in Punjab who have told me the tales of what used to happen in 80s. So, since India ki jab bhi aap baat karte hain, hamare jo andruni mamlaat hai, unki jab bhi baat hoti hai, to Pakistan ka to zikr hota hi hai. To us karan se mera South Asian politics mein bahut interest hai because I like to follow up on what our neighbors are really up to. And slowly that started to get widened, you know, I started with closely following Pakistan, Bangladesh, for the simple reasons that, you know, both these countries have an Islamic terror issue. And since they are our neighbors, even though Bangladesh, if you look at the foreign policy level, we are pretty much aligned. Our governments are, they enjoy a certain camaraderie. But ek इस वहाँ पे भी एक तो तबका ऐसा है ही है जो रेडिकलाइजेशन के रास्ते पे है. तो मैं इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत फॉलो करती थी और वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला गया. क्योंकि आप देखें, अगर पाकिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है एंड इट इज़ समहाउ ट्राइंग टू यूज़ पाकिस्तान ऑल्सो एज अ प्रॉक्सी टू वेज अनदर काइंड ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया. सो एज अ पेट्रियाटिक इंडियन आई वुड हैव अ कीन इंटरेस्ट इन चाइना ऑल्सो. So that is how it started to move, and today I identify myself as an analyst
who looks at geopolitics and analyzes situations. I try to analyze these situations in a way that how could they basically affect my country for good or for bad. देखिए, आपने जो बातें की मैं उनको बहुत ही तवज्जो से सुन रहा था, और मैं सुनते सुनते सोच रहा था कि एक ऐसी लड़की जिसका 2015 में इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में डेवलप हुआ, और सिर्फ 5-6 बरसों के अंदर अंदर वो इतनी आर्टिकुलेट हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चीज़ों को देखती हैं, और जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ा, और भारत के अंदर भी जो कुछ होता है उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ा, और इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट डिबेट्स हैं, सच एज़ कि लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, मेरे नज़दीक तो राइट और लेफ़्ट रहा ही नहीं, सारा खेल ही अब रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी का है, और शायद आप भी उसी पेज पे खड़ी हैं। और आपने बीच में तذکرہ किया जैसे खालिस्तान में जो कुछ, खालिस्तान के हवाले से जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, और जो कल हुआ 1-2 रोज़ पहले वो अपनी जगह पे दिल दहला देने वाला मामला है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिख बहन भाइयों की जो मेजोरिटी है वो तो पक्के भारतीय हैं, ये तो बाहर से एजेंडा गया हुआ है जो वहाँ पे हिलाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप इंडिपेंडेंट थॉट्स से देखती हैं, सोचती हैं, आपने खुद कहा कि राइट वाले आपको लेफ़्ट में बॉक्स कर देते हैं, लेफ़्ट वाले राइट में बॉक्स कर देते हैं, इसीलिए आपको अपने आप को क्लासिकल लिबरल भी कहलवाना पसंद होता है, आप चूँकि बिजनेस वुमेन हैं इसलिए आपको को बहुत चिंता भी नहीं होती कि कोई आपको इस पे खींचातानी करेगा। लेकिन हम इसी ट्विटर पे, जिस पे आपकी जो टाइमलाइन चलती है और जिस पे बहुत ही सेंसिबल ट्वीट्स आपकी होती हैं, और रीट्वीट्स भी मैंने देखा कि आप बहुत एहतियात से करती हैं, उसी ट्विटर पे जस्ट पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स आपके 432,000 फॉलोअर्स हैं, और ख़ुद आप मेरा ख्याल है केवल कुछ 40-42 लोगों को फॉलो करती हैं। तो इतनी ज़्यादा जो आउटरीच आपकी बनी, चूँकि आप तो पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं हैं, आप शायद मीडिया में भी उस तरह डायरेक्ट नहीं हैं, पार्टिसिपेट करती हैं एज पैनलिस्ट, आई हैव सीन यू मैनी चैनल्स, तो इतनी ज़्यादा जो फॉलोअरशिप आपकी बनी और आपको एक सेंसिबल थॉट रखने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, इसका क्या कारण आप समझती हैं? अब मुझे तो इतना नहीं पता कि लोग मुझे किस तरह से देखते हैं, वेदर दे थिंक आई एम सेंसिबल और नॉट, क्योंकि नॉट एवरी फॉलोअर ऑफ योर्स इज एन एडमायरर, एटलीस्ट आई कीप दैट इन माई माइंड कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे जस्ट मुझे गाली देने के लिए, सो नॉट एवरीबडी इज फॉलोइंग मी इज माई एडमायरर। बाकी मैंने पहले भी बहुत बार ये रिकॉर्ड पे बोला है, मैं आज फिर से यही रिपीट करूंगी कि जब आप कोई भी चीज़ आप दिल से करते हैं, किसी बिना एजेंडा के करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, तो आई थिंक भगवान के पास उसको नवाजने के अपने खुद के ही तरीके होते हैं, जब आप खुद किसी चीज़ का ज़्यादा लोभ लालच नहीं करते। तो मैंने हमेशा, मेरी जो पूरी जर्नी रही इट्स बिन वेरी ऑर्गेनिक, आई हैव जस्ट गॉन विद द फ्लो। मैं उन इश्यूज पे बात करती थी जो मेन स्ट्रीम तो होते थे बट जिस पे मेन स्ट्रीम लोग बात करने से बचते थे, तो आई थिंक समहाउ दैट कैंडिडनेस इज समथिंग व्हिच हैज स्ट्रक अ कॉर्ड विद माय ऑडियंसेस। लोग शायद चाहते थे कि कोई मेन स्ट्रीम में ऐसी वॉइसेस हों जो हमारे जो डायरेक्ट जो हमारे हमें जो द थ्रेट्स विच वी आर फेसिंग उनके बारे में बात करें, या फिर जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आप लॉज का वायलेशन करके एट ऑल टाइमिंग्स यू प्ले अजान ऑन द लाउड स्पीकर फॉर एग्जाम्पल, सो इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन बट इट इज बींग अ न्यूसेंस टू सर्टन पीपल, राइट? इन अदर कंट्रीज इट वुड बी सीन दैट वे, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इफ यू से कि भाई आप मस्जिद में सुबह 4 बजे अजान ना प्ले करें, क्योंकि मुझे कोई अजान से दिक्कत नहीं है पर मुझे 7 बजे उठना है, नहा धो के काम पे जाना है, तो मुझे आई नीड माई स्लीप, सो इट बिकम्स मोर ऑफ अ रेगुलर इशू इन योर लाइफ। बट इंडिया जैसी कंट्री में आप इस बात पे भी बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो
कम्युनिटी लेवल पे भी हिंदूज ने फेस की हैं, पर क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हमेशा से ही जो हमारी जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स भी रही हैं उनका कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी ही रही है अपीजमेंट की, जिसको वो सेक्युलरिज्म का नाम देते हैं. तो एक फ्रस्ट्रेशन थी आई थिंक जो हिंदू समाज में बहुत सालों से वो पाइल अप होती जा रही थी, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी के जो इश्यूज थे उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि हर गवर्नमेंट को लगता रही है तो हमें वोट करेंगे, ये कहाँ जाएंगे. तो इंडिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है इट वॉज सेंटर्ड अराउंड इट्स माइनॉरिटीज. तो बीजेपी इज दैट बिकेम दैट प्लेयर हु कंसोलिडेटेड द हिंदू यू नो हिंदू वोट बैंक. तो उसमें क्या होने लगा कि हमारे जैसे लोगों की जगह भी बनने लगी, क्योंकि एक कंसोलिडेशन तो ऑलरेडी हो गई थी और वो लोग सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट थे. तो जब कोई था जो हिंदू हित की बात करता था, नाउ व्हेन आई से आई टॉक अबाउट द इश्यूज व्हिच आर पर्टिनेंट टू द हिंदू सोसाइटी, दैट नीड नॉट मीन दैट आई एम एंटी मुस्लिम, बट समवेयर समबडी हैज टू बी एबल टू पुट फोर्थ यू नो देयर आइडियाज. एंड स्पेशली सो अगर उन चीजों से दूसरों को तकलीफ होती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके पास वॉइस है, अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं क्यों ना बोलूँ ऐसे इशू पे जिससे कुछ लोग परेशान हैं. तो आई थिंक मैं वो कहीं ना कहीं वो वॉइस बनती गई, एंड आई वॉज टॉकिंग वेन एवर आई वॉज टॉकिंग ऑन दीज इशूज आई वॉज नॉट बींग पोलिटिकली वेरी करेक्ट. हालांकि ओवर द टाइम यू लर्न द बेनिफिट्स ऑफ बींग पोलिटिकली करेक्ट ऑल्सो. बट जब आप नए होते हो, मेरे में बहुत जोश था, देयर वाज लॉट ऑफ रॉ एनर्जी, एंड सिंस लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे थे तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो एक आपको एड्रेनलिन रश तो मिलता ही है कि अरे इतने सारे लोग हैं जिनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आ रहा है तो आई माइट बी डूइंग समथिंग गुड. तो वो एक जर्नी चलती गई. फिर बीच में ऐसा भी होता है कि जैसे आप कुछ, क्योंकि लोग घुटों में बट गए हैं, देर इज नो प्लेस फॉर रैशनैलिटी टुडे. तो कई बार क्या होता है कि आप ऐसे स्टैंड्स लेते हो जिनसे आपकी जो ऑडियंस होती है जो आपसे दूसरे कारणों से जुड़ी हुई है उससे आप इत्तेफाक नहीं खाते, तो लोग उसको एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, फिर वो आपको ना पॉलिटिकल घुटों में डाल देते हैं. उनको लगता है कि अरे ये ज्यादातर जो बात करती है बीजेपी भी वही बात करती है, तो शायद यू नो समहाउ शी इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पार्टी. और फिर आपने कोई, मान लीजिए कोई ऐसा स्टैंड है जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, मतलब दूर दूर तक उस पूरे केस का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बट यू नो एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया था कि इट बिकेम लेफ्ट वर्सेज राइट, इट बिकेम बीजेपी वर्सेज कांग्रेस इन सच अ सेंसिटिव मैटर ऑल्सो. So, no, I am somebody who would want to stay away from all that circus. When it comes to human rights, human relationships, I am very sensitive. You know, किसी के साथ भी गलत हो रहा होगा, वो it doesn't matter to me, हिंदू है, मुसलमान है, एक्टर है या कोई स्पॉट बॉय है, इससे क्या फर्क पड़ता है. आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए. और मेरे जैसे लोगों को क्या नुकसान होता है कि जब आप यू नो लोग आजकल क्योंकि हर चीज को पॉलिटिकल वे में देखने लगे हैं, जिस चीज का कोई लेना देना भी नहीं है पॉलिटिक्स से, तो समवेयर यू नो आई डोंट फील कि आई एम गोइंग रॉन्ग बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टैंड, बट आई फील द एनवायरनमेंट अराउंड अस हैज बिकम सो वेनमस एंड इट हैज बिकम सो टॉक्सिक दैट पीपल हैव फॉरगॉटन टू डिसएग्री टू अग्री. आई डोंट नो इफ इट्स गुड for this world or if this stems from frustrations of decades, but somehow I feel ki jo aaj jo hamara jo mahol jaisa humne bana diya hai, humko har kisi insaan ko ek particular you know ek category mein dalna hai ki acha ye congress supporter hai, ye bjp supporter hai. Are why can't you just support your country irrespective of which party you like, irrespective of which religion you come from? Why can't you just think about your country without being labeled? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये जो लेबलिंग है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जो इंडिपेंडेंट थॉट्स मेंटेन रखना चाहते हैं. इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इंडिपेंडेंट थॉट रखने वाले अपनी इंडिपेंडेंट बात करना चाहते हैं. लेकिन मैं आज आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, आपको मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि मैं एक तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट से इम्प्रेस था और दूसरा
जो नई जनरेशन है भारत की, जो ऑलमोस्ट भारत का ऑलमोस्ट 40-50% मेक करती है, उससे आपका ताल्लुक है, उसी में हम देखते हैं कि ये जो सो कॉल्ड एक्सट्रीम लेफ्ट के प्रचारक हैं वो बहुत हैं। हमने JNU का मामला देखा, हम वो कई तरह के प्रोटेस्ट देखते हैं। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि मैं भी उम्र के हिस्से से गुज़रा हूँ कि उस उम्र के हिस्से में एक ख़ास तरह का थ्रिल होता है टूवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए। एक एक कूल फील होता है कि हम जलसे जुलूस करेंगे, ताली बजाएंगे, ढोल बजाएंगे। लेकिन आपने रास्ता चुना, आप तो कहती हैं कि आप राइट की तरफ भी नहीं हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन आपने रास्ता चुना इंडिपेंडेंट थॉट का। लेकिन भारत के ये जो नौजवान नस्ल की मेजॉरिटी है, ये मुझे फील होता है, ख़ास तौर पर शहरों की मैं इस पे ज़ोर देना चाहता हूँ, वो शायद वो जो अर्बन नेक्सल की जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ एफिलिएट होती है। लेकिन मैं भी भारत आता जाता रहता हूँ, जो शहरों से हट के छोटे शहर हैं वहाँ पे वो ख़ुद को क्लेम किए बगैर राइट के नौजवान होते हैं। तो इस सारी कश्मकश में जो भारत की नौजवान नस्ल बटी हुई है, आपको भारत किस तरफ जाता नज़र आता है? पहले तो मैं आई डोंट थिंक आई अग्री विद दिस कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है. आई थिंक इट इज मोर टू डू विद योर क्लास. इट हैज वेरी लेस टू डू विद योर सिटी, योर फैमिली, यू नो, योर रिलीजन. इट हैज मोर टू डू विद योर क्लास एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो. लाइक इफ योर पेरेंट्स हैव बीन वेरी एजुकेटेड एंड आपको शुरू से कोई भी यू नो आसाइशों की जिंदगी रही है, आपको कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, तो आपको डेफिनेटली आप जो ग्राउंड पे जो रियालिटीज है अगर आपका उनके साथ इतना टच नहीं रहा है तो यू कैन अफोर्ड टू बी लेफ्ट. और अगर आपने आपने सामने बॉम्ब फटते देखे हैं या आपने आपके सामने गरीबों के साथ, मजदूर क्लास के साथ बुरा होते देखा है, तो आप कहीं ना कहीं बीच में रह जाओगे कि आपको वो टेररिज्म के कारण आप कंजर्वेटिव साइड में हो गए हो, और अदरवाइज बिकॉज यू ऑल्सो फील फॉर द पुअर क्लास, यू आर समबडी फॉर जस्टिस, तो लोग आपको ऐसे भी समझ लेंगे कि आप लेफ्ट की तरफ है. तो मुझे लगता है कि आज की टाइम में लोग दो ही गुटों में यू नो बटे हुए हैं. एक तो है जो कॉन्शियस जो लोग हैं, जो शायद मुझे लगता है कुछ लोग लेफ्ट की तरफ भी होंगे, जो एक कॉन्शियस तो लेके चलते ही होंगे कि अगर उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाते ही होंगे. इनफैक्ट लेफ्ट का काम हमेशा से यही रहा है टू अपोज द एस्टैब्लिशमेंट एंड यू नो गरीबों के हक के लिए खड़े होना. बट आज जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में, जो लेफ्ट हम देख रहे हैं, द फास्ट इमर्जिंग लेफ्ट, इट्स बिकम वेरी टॉक्सिक. ये दीज पीपल आर यू नो दे ऑलवेज रिजॉर्ट टू वायलेंस. आप इंडिया में ही देख लें कि जो चीजें कैपिटल हिल में यूएस में हुई हैं, जो ट्रंप सपोर्टर्स ने जो की, वो चीजें आप देखेंगे कि इंडिया की जो लेफ्ट है वो ये सब करती है. और अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो लेफ्ट में जो एक्सट्रीम अर्बन नक्सल जिनको इंडिया में कहा जाता है, या फिर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के मरने पे आंसू बहाते हैं, तो आप अगर उनमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब गांव के होंगे, उन बेल्ट्स के होंगे जहाँ पे नक्सलिज्म का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है. तो इट्स नॉट टू मच. हाँ, कुछ लोग मैं मानती हूँ जेन्युइनली भी लेफ्ट के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वो प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं. उनको लगता है कि जो हमारी जैसे अगर कोई ऐसी बेल्ट से है या कोई ऐसा अपनी लाइफ में कास्टिज्म का शिकार हुआ है, कोई अगर कोई दलित व्यक्ति है, तो ऑफकोर्स उसके अपने एप्रिहेंशंस होंगे. बट लेफ्ट का जो पूरा मामला है ये चलता है प्रोपेगेंडा पे. दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. तो ये इनके साथ कई लोग ऐसे होते हैं जो बिकॉज दे हैव बीन विक्टिमाइज्ड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ हेट क्राइम एंड प्रोबेबली एट द हैंड्स ऑफ एन अपर कास्ट हिंदू, ये इनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं इंडिया में. ये इनको एक जो आइसोलेटेड केस होता है उसको ये पूरा एक यू नो ऐसा रंग दे देते हैं कि देखो भारत में कैसे जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान करता है कि देखो कैसे वो आतंकवादी भेजते हैं, यही बोल के भेजते हैं कि आप जाओ इंडिया में देखो मुसलमानों के साथ कितना तशद्दुद इंडियन आर्मी कर रही है, आप जाओ उनको
अब गजवाए हिंद करो और उनको बचाओ। तो ऐसे ही लेफ्ट का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो गरीब क्लास के जो लोग हैं, ये खुद तो जो आप लेफ्ट की लीडरशिप देखें, चाहे आप फार्मर्स की लीडरशिप भी देख लें, ये खुद तो बहुत ही एलीट किस्म के लोग होंगे जिनको फंडिंग आएगी अमरीका से और पाकिस्तान से और यूके से और कैनेडा से, खुद एकदम ये एलीट होंगे। लुई विटॉन के बैग के नीचे ये लोग बात नहीं करेंगे, मतलब डिनर करेंगे तो ऐसे ही रेस्टोरेंट में करेंगे जहां पे मिनिमम दे हैव टू शेल आउट लाइक 10,000 bucks। ये जो इनकी जो लीडरशिप है, बट जो इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर आप इतने ही इनके लिए आप इतने ही सेंसिटिव थे या इनके लिए आप इतना ही सोचते थे, तो वो आज तक धरातल पे वो लोग, उनकी कोई भी, उनकी कोई इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफस्टाइल में क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने, आप उनके बारे में सोचते ही नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टू कीप एन इशू बर्निंग। ऑन द अदर साइड इफ यू सी राइट विंग मोस्टली इज फुल ऑफ कैपिटलिस्ट, तो ये लोग का बहुत ही सिंपल सा चलता है कि भाई एक प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करो, उसमें रिलीजन का बहुत सारा लेना देना नहीं होता है। तो लेफ्ट को लगता है कि भाई जब तक आप स्टेट और रिलीजन को मिक्स करके माइनॉरिटीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दोगे, तो यू आर नॉट सेक्युलर इनफ और यू आर नॉट केपेबल इनफ टू लीड अ कंट्री। नाउ समबडी लाइक मी हु स्टैंड्स इन द मिडल फील्स लाइक कि इस तरह से तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, यू नो, कि जस्ट बिकॉज एक तबका है जो मोदी सरकार को सपोर्ट करता है, वो जब भी कोई आवाज उठाते हैं आप उनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं अंधभक्त बोल के या बेवकूफ बोल के। जरूरी नहीं है कि अगर कोई मोदी भक्त है तो वो कोई कम पढ़ा लिखा होगा, या फिर क्योंकि मोदी जी खुद चाय वाले थे तो पता नहीं उनको सिर्फ अनपढ़ लोग ही फॉलो करते होंगे। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जी, उन्होंने हाल ही में कहा कि जो इंडिया के फार्म लॉज हैं ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये उनके आगे सोशल सिक्योरिटी में बहुत काम आएंगे, तो क्या वो फिर अंधभक्त हो गई? तो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि लोग पॉलिटिकल इडियोलॉजीज के बेसिस पे दूसरों के ब्रेन्स को जज करते हैं, उनकी अंग्रेजी कैसी है उसके बेसिस पे उनकी इंटेलेक्चुअल को, इंटेलेक्ट को उनकी जज करते हैं। तो ये तो फिर बड़ा ही मेरे हिसाब से व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स अ वेरी स्लेव काइंड ऑफ अ माइंडसेट where you're judging people's depth based on which leader do they idealize. And I think India's left is taking it to a whole new level where they've come down to celebrate terrorists. Aap France mein dekhein, Emmanuel Macron, he's a self-proclaimed leftist. In fact, jab unka wo elect hue the, to duniya bhar ke left ne to bahut celebrate kiya tha. But jab, when it came to national security of his country, he took certain measures which the left did not like too much. So what does the left expect? They expect you to basically pander to Islamist forces, you know, and in the name of feminism, they are basically peddling hate against an average man. And I think everything to do with extreme left is extremist. Jahan pe sachai ki rationality ki koi jagah nahi hai. And with the Modi government indulging in too much democracy, I don't know where we are headed as a country. Because if you look at the international scene, you look at the press, you look at the TV media, most of the people there have a leftist mindset. So, and ye log bahut tod marod ke cheezon ko batate hain. Aap kal hi dekh lijiye, ek ladka tha jo Australia se aaya tha, ye farm लॉज की जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें शिरकत करने के लिए, उसका ट्रैक्टर पलट गया है। और लेफ्ट के कुछ ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, जो बहुत सच्चाई की बात करते हैं और जो बहुत दूसरों की गलतियों को फेक न्यूज बना के बताते हैं, वो इस चीज का प्रचार करते रहे पूरा दिन कि पुलिस ने भाई सर में गोली मारी है और इस वजह से व्यक्ति की जान गई है, ये व्यक्ति स्पेशली आए थे ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ यही इनी चीजों पे हिस्सा लेने के लिए। तो आई डोंट नो विच माइंडसेट डज ही डिड ही कम फ्रॉम। और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनको कोई गोली नहीं लगी थी, उनका जो वो ट्रैक्टर है वो ही टॉपल हुआ था क्योंकि ही वॉज स्पीडिंग। अगर आप बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर आप ऐसे राइटिंग की कोशिश करोगे तो देयर विल बी अ कॉस्ट टू पे। नाउ आई फील सैड फॉर हिज फैमिली, दे आर लॉस्ट अ सन, but then what about all the policemen who are invisible to the left, jinko aap
ऐसे ही डंडों से मार रहे हैं, उन पे अब तलवारें निकाल रहे हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? अगर कोई उनकी तरफ से बात करेगा तो आप बोलोगे बोलेंगे कि अरे ये तो स्टेट के लिए काम करते हैं, ये तो सरकार की बात करते हैं। मतलब आप कभी भी अपने जवान के बारे में बात करेंगे तो आप मोदी सरकार के पालतू हो गए, या फिर आप राइट विंग के, आपका उधर से कुछ लेना देना है। मतलब आई आस्क द लेफ्ट, व्हाई कांट यू केयर फॉर द सोल्जर्स? बिकॉज व्हेन अ सोल्जर इज स्टैंडिंग, यू नो, इतनी ठंड में ही इज स्टैंडिंग देयर इन सियाचिन, ही इज नॉट जस्ट स्टैंडिंग देयर टू प्रोटेक्ट पीपल हु सपोर्ट मोदी और टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, देन व्हाई कांट यू गाइज बी टुगेदर ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो कि दूसरे देशों में होता है। आप पाकिस्तान को देख लें, नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टीज के बीच में कुछ भी इख्तलाफात हो, जब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान वहां आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके बात की थी कश्मीर को लेके, तो दोनों तरफ से तालियां बजी थी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो सही हो, तुम ठीक है मेरे कंट्री के अगेंस्ट कर रहे हो जो भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट आई विल अप्रिशिएट दैट यूनिटी ऑन देयर पार्ट, चाहे वो देश हमें दुश्मन क्यों ना माने, बट हमारे देश में ये चीज क्यों नहीं है? जब चीजें नेशनल सिक्योरिटी पे आती हैं तो लोग क्यों उसके बारे में बात नहीं करना चाहते? अगर रेड फोर्ट पे अभी आज डिबेट हो रही है कि वो सिखों का रिलीजियस फ्लैग निशान साहिब था जो वहां पे होस्ट किया गया था, या वो खालिस्तानी फ्लैग था, आई आस्क व्हाई, हाउ डज इट मैटर? वहां पे वो इट वॉज नॉट द ट्राई कलर दैट सॉल शुड मैटर टू एनी पेट्रियोटिक इंडियन, क्योंकि रेड फोर्ट इज सर्टेनली नॉट द प्लेस फॉर अ रिलीजियस फ्लैग। आई वुड कंडेम इट एज मच इफ इट वॉज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं इतना ही इसको इतना ही अपोज करती। अगर आप कहते हैं कि हमारा जो पूरा ये एजिटेशन है, इट इज टू फाइट द रिच, इट इज टू फाइट द फासिस्ट गवर्नमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, देन वॉट इज योर रिलीजियस फ्लैग डूइंग ऑन द टॉप ऑफ द रेड फोर्ट? एंड इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस कि 2 हफ्ते पहले एक सिख टेरर ऑर्गेनाइजेशन, सिख्स फॉर जस्टिस, जिसको डेजिग्नेट किया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक एडवाइजरी निकाली थी 2 हफ्ते पहले कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया गेट या रेड फोर्ट पे जाके खालिस्तान का झंडा लगाएगा, उसको हम $2,50,000 देंगे और उसको हम पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इंडिया से जो ट्रायल से बच सके। तो ये सेम वाकया होना, उसी SFJ की ही कॉल थी कि आप एक ट्रैक्टर रैली निकालें जो कि पैरेलल में चले रिपब्लिक डे परेड के साथ। और आप ताहिर साहब, आपको पता होगा, आप क्योंकि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू वुड नो द पाकिस्तानी ऑब्सेशन विद लाल किला। इनके जनरल जब बैठते हैं वो यही बात करते हैं कि कब हम हिंदुस्तान पे फना करेंगे और लाल किले पे बैठ के चाय पियेंगे। तो दिस हैज अ सर्टेन सिग्निफिकेंस, इट इज नॉट अ रैंडम कॉल दैट दीज पीपल हैव टेकन। दे हैव ब्रीच द रेड फोर्ट, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ, यू नो, इट्स अ मॉन्यूमेंट विच हैज अ नेशनल सिग्निफिकेंस। आपने उसको ब्रीच किया, आपने उसकी सैंक्टिटी खराब की। ऐसी वीडियोज हैं जिसमें आपको ट्राई कलर कोई हाथ में दे रहा है और हमारे ये जो सो कॉल्ड अन्नदाता या फार्मर है ये उसको नीचे फेंक देते हैं। तो देन आर यू फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट और आर यू फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट? देर इज अ डिफरेंस। एंड आप लेफ्ट को देख लीजिए, इंडियन लेफ्ट को, मोस्ट ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम, उन्होंने पूरा डिबेट को ही डिविएट करने के चक्कर में पूरा एक वो नया एक वो बना दिया है कि ये कौन सा फ्लैग था कौन सा नहीं था। एक बार भी इनके कोई लेफ्ट का कोई लीडरशिप का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस बात को कंडेम किया हो और कहा हो कि नहीं, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अहम बातें। जब मैंने आपसे ये सवाल किया था कि हमें लेफ़्ट शहरों में ज़्यादा नज़र आता है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इनफैक्ट जो हमें ज़्यादा नज़र आता है उनके वोकल होने की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि उनकी रिप्रेजेंटेशन लेफ़्ट माइंड के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मीडिया में कर रहे हैं, तो वो उनको एक माइलेज देते हैं, तो इसलिए वो एक बड़ा सिनेरियो नज़र आता है
इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी पे इतना बड़ा सिनेरियो नहीं है, मगर चूंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और उसमें अगर कपल मिलियंस लोग भी हों तो वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ये एक चैलेंज तो है। आपने बात की कि ये एक नई डिबेट शुरू कर रहे हैं कि जी लाल किला पे वो खालिस्तान का परचम नहीं था, वो खालसा का परचम था। मेरा ये मामला है कि वो तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, तो फार्मर्स का कोई झंडा लगना चाहिए था, वैसे तो वो भी बुरी बात थी, लेकिन अगर वो जस्टिफाई करते कि जी हम अपने फार्मर कॉज के लिए फार्मर के झंडे को लेकर गए थे किसी किसान यूनियन के, तो हम कह सकते थे कि चलिए इनका कॉज था, विच आई वुड कंडेम एनी वे। लेकिन ये सारी की सारी जो है ना गंभीर सूरत हाल ये हम देख रहे हैं, आपने जिस तरह लेफ़्ट को बयान किया वो वाकई बदकिस्मती से वो लेफ़्ट रहा ही नहीं। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की कि सम टाइम ये जो फैशनेबली वेस्ट लेफ्टी हैं ये मॉक करते हैं कि चाय वाला थे। मैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस वजह से बहुत पसंद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो एक स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी थे और वो वाकई ही ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, और अगर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर इंडिया है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल लेफ्ट तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो पब्लिक के आदमी हैं, जो जनता के आदमी हैं। हर ये एक अलग डिबेट है। मैं यहाँ पर सोनम आपको लाना चाहूँगा एक और अहम मुद्दे पर ताकि हम आज की बातचीत कंक्लूड करें एक दो क्वेश्चंस के बाद। मेरा एक कपल दोस्त है अमेरिका में, लड़की वाइट अमेरिकन है और लड़का जो है वो इंडियन हिंदू है। लड़की कॉन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म में और शी लव्स डैट। मेरे उनसे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनकी प्राइवेसी को यहाँ पे मेंटेन रखते हुए। अब वो लड़की का ये कहना है कि मैं जब भी भारत जाती हूँ तो मुझे हिंदुइज्म से, भारत की सिविलाइजेशन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक चीज़ मुझे हर्ट करती है वो ये कि जो हिंदुइज्म, जो सिविलाइजेशन, औरत की बर्तरी, विमेन जो उसकी उसकी डोमिनेंस की बात करता है, लेकिन जब मैं सड़कों पे देखती हूँ तो मुझे विमेन जिस तरह अमेरिका में, कनाडा में इक्वल पार्टिसिपेंट के तौर पर सोसाइटी में हर जगह नज़र आए, ऐसा दिखता नहीं, बल्कि उसका 50% भी दिखता नहीं। ये उनका ख्याल है। आप विमेन राइट्स के लिए काम करती हैं, आप उनकी बात को कैसे देखती हैं और जो सिचुएशन है वहाँ पे उसको कैसी देखती हैं? ताहिर साहब, आई डोंट नो, जो आपकी जो दोस्त है जो वो व्हेन शी सेज कि इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है, बिकॉज यू नो इट कुड वेरी फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। अगर आप इंडिया में जॉब सीन देखें तो डेफिनेटली एक पे पैरिटी का इशू तो है ही है वेमेन के लिए, बट अगर आप बोलेंगे कि आपको सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिली, अनलेस कि इट्स अ वेरी कोई टीडियस सी जॉब है जिसमें उनको लगे कि लड़की है, इसकी फैमिली है, शायद डिफिकल्ट हो इसका अपना 100% देना। मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल जॉब्स हैं या फिर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व नहीं है, कोई इस तरह की आप बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट, वो नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि इंडिया भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है, तो सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जैसी चीज़ें, ये ऐसे इवल्स, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो या इंडिया हो, ऐसी कुछ चीज़ें तो है ही हैं जो औरतों को थोड़ा पीछे कर देती हैं, क्योंकि हर किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो लड़ाई कर पाए इन सोसाइटल इवल्स का। तो बाकी आई फील कि जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मुझे हमेशा उनसे एक वो तो रहती ही है कि आप बात तो बहुत करते हैं औरतों के हकूक की और यू नो रिप्रेजेंटेशन की उनके पार्लियामेंट में, पर जब भी एक चीज़ मुझे जो इस सरकार की बहुत बुरी लगी आज तक, मैंने ये पहले इतना नहीं देखा था, जब भी कोई रेप जैसी चीज़ें होती हैं तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं और इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे एक आप विक्टिम ब्लेमिंग का माहौल जिससे तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो इस चीज पे इतना मैंने उनको ध्यान देते नहीं देखा। अब कई आपके व्यूअर्स होंगे जो सोचेंगे कि अरे ऐसा ऐसा है कि कांग्रेस के लोग इस बारे में बात नहीं करते,
पर बात यह है कि हमने अगर एक एक नया इंडिया में एक नया कंसोलिडेशन हुआ था, और अगर इंडिया में सारे भारत ने एक तब्दीली को चुना था, तो एक एक्चुअल तब्दीली के लिए चुना था ना, तो अगर आपने जिस सरकार को वोट किया है, तो आप उनसे सवाल पूछने का तो आपको पूरा इख्तियार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां हम बहुत पीछे रह जाते हैं, बिकॉज हम औरतों को पेडेस्टल पे बिठाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा जो फेमिनिज्म है, इट इज मोर ऑफ वेरी सिंबॉलिक फेमिनिज्म। यू द रियल फेमिनिज्म इज गिविंग अ वुमन यू नो एज मच राइट्स एज यू गिव टू द मेन। नाउ देयर राइट्स कुड बी डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली एक नेचर का एक निजाम है। हर वो चीज जो आदमी कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, जो औरत कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। इसलिए तो द टू जेंडर्स दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि औरत से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो माँ बेटी बहू वाली भी बहुत ज्यादा होती है, बट जब मर्द से एक्सपेक्टेशन होती है तो बहुत ही सिंपल से फंडे हैं कि अगर कोई आदमी जैसे चीट भी करता है मान लो अपनी वाइफ पे, तो लोगों का जो एक नॉर्मल जो सोच है वो यही है कि अरे इसकी बीवी भी अच्छी नहीं थी, या ये औरतों के भी कसूर होते हैं कि आदमी जाके चीट करते हैं। बट अगर यही चीज कोई अ वुमन हु इज इन अ बैड मैरिज एंड्स अप लुकिंग आउट फॉर लव, तो आपको पता है कि सोसाइटी का नजरिया वहां पे ये नहीं होता। वहां पे आप ह्यूमन लेवल पे नहीं सोचते, आप वहां सोचते हो कि अरे इसने चीट किया, ये अच्छी औरत नहीं होगी। यू डोंट अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड समवन्स जर्नी। हर चीज जो एक व्यक्ति करता है उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हम जब औरतों को जज भी करते हैं तो बहुत क्विकली करते हैं। मुझे लगता है एज अ सोसाइटी इंडिया को उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। वो एक जगह है जहां मैं आपकी बात से मानूंगी कि जो आपकी दोस्त है उनको भी लगा होगा, क्योंकि हम जजमेंट पे जब बात आती है तो औरतों को हम बहुत ज्यादा निशाना बनाते हैं। आप हमारे पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स भी देख लें, अगर कोई औरत मरी हुई पाई जाती है किसी खेत में, तो जो पॉलिटिशियन होता है उसके दिमाग में पहले ये आता है कि ये खेत में लेने क्या गई थी। खेत में अगर जाके इसका गैंग रेप हुआ है तो हो सकता है कि कोई अपना अफेयर हो विच वेंट रॉन्ग, तो लोग इस तरह की चीजों से उसको जोड़ने लग जाते हैं। जब आदमी के साथ क्राइम होता है तो आप उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं सोचते, उसकी जेंडर प्रेफरेंस क्या है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, आप उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, उसका घर में अपना रहने का अंदाज क्या है। पर जब कोई औरत अच्छा करती है तो लोग ये भी सोचते हैं, अरे जैसे मेरे लिए, मेरे खुद के कई रिश्तेदार हैं जो मुझे कई बार बोल चुके हैं कि बेटा तुम खाना वाना भी बनाती हो या तुम यही सब करती हो, मतलब टीवी पे बैठ के डिबेट करना, या तुम्हें बस देश का ही ध्यान है, तुम्हें अपने खुद के घर का भी ध्यान है। तो एक वो कैजुअल मिसोजिनी जो है ना, वो हमारे कल्चर का ही हिस्सा है, और औरतें तो उसमें सबसे आगे है मेरे हिसाब से, दूसरी औरतों को शेम करने में। तो आप आदमी लोगों से क्या ही ज्यादा अफसोस करोगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एज वुमेन व्हेन वी सी अनदर वुमेन गेटिंग रॉन्ग्ड आल्सो वी डोंट स्पीक आउट, समटाइम्स फॉर द फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब, समटाइम्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड फेमिनिस्ट। मतलब फेमिनिस्ट वर्ड से ऐसी प्रॉब्लम क्या है? स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो तो बहुत बेसिक चीजों के लिए फाइट कर रही हैं। और मैंने देखा है कि इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों ही जगह मतलब फेमिनिज्म के लिए इतनी कूट कूट की नफरत भरी गई है। मीशा शफी का आप केस देख लें रिसेंट, मैंने देखा कि पाकिस्तानी सोसाइटी तो मतलब और ज्यादा बदतर है। और मैं सलाम करूंगी वहां की जो खवातीन हैं जो फेमिनिज्म के मुद्दों पे बात करती हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतनी हॉस्टाइल सोसाइटी में रह के वो सब चीजें करना जो वो लोग करते हैं। मैं औरत मार्च को बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, और पाकिस्तानी बहुत फेमिनिस्ट आइकन्स हैं जिनको मैं इंडिया के फेमिनिज्म के आइकन्स से ज्यादा उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग पते की बात कर रहे हैं। और अब हम मैंने देखा मीशा शफी के साथ जो भी हुआ, उनकी एक दोस्त थी जो कोर्ट में गई है, उनकी दोस्त के पति ने उनको संभाल के रखा है, पीपल आर हैरेसिंग हर फॉर बींग अ विटनेस, बट दैट वुमन स्टूड हर ग्राउंड। एंड आई फील कि इंडिया में भी ये चीज होनी चाहिए। अगर आप किसी किसी इस तरह की चीज का शिकार हो जाते हैं तो लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। दैट इज समथिंग आई फील कि पाकिस्तान में शायद जो फेमिनिज्म का सीन है, जो लोग उसमें हैं वो ज्यादा पॉइंटेड, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोसाइटी की बात नहीं करती, बट
वहाँ के जो फेमिनिस्ट आइकन्स हैं दे मेक काइंड ऑफ मोर सेंस टू मी बिकॉज दे आर फाइटिंग देयर बैटल्स. हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ये क्लोजेट फेमिनिस्ट होती हैं ये आपको तो बोल देंगी फोन पे कि हाँ आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आप निकल जाओ लड़ने के लिए, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये लोग आप सबसे पीछे इनको पाएंगे. वो अपना पॉलिटिकल कनेक्शन देखेंगे, अपना खुद का फायदा देखेंगे, फिर जाके आपके लिए आवाज उठाएंगे. पाकिस्तान में मुझे ये चीज बड़ी पसंद आई कि मीशा को भी जिस तरह से सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, इट्स वेरी इनकरेजिंग. एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग प्रोबेबली आर फेमिनिस्ट्स कुड लर्न फ्रॉम पाकिस्तान. प्रोबेबली दैट्स द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक बिकॉज आई एम अ बिग कंज्यूमर ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक. तो आई थिंक इस एक एरिया में हम शायद पाकिस्तान से भी पीछे ही रह गए हैं कि हम पेडेस्टल की बातें करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं करते. हमें हम कहते हैं कि तुम तो देवी हो, तुम में तो बहुत पावर है ये भी करने की वो भी करने की, बट हम भूल जाते हैं कि मतलब है औरत भी इंसान, उसको आप इंसान की तरह ट्रीट करो, उसको आप जेंडर वाले हिसाब से मत देखो. बहुत अहम बातें की आज आपने सोनम. मेरा ये ख्याल है कि आपके साथ हमें इन सब्जेक्ट्स पर भी और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं भारत के और जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर अपनी बातचीत को आने वाले शोज़ में एक्सपेंड भी करना चाहिए. मैं आज आपके वक्त देने का बहुत शुक्रगुजार हूं. आखिर में आप कोई ऐसी बात कहना चाहें जो आप समझती हों कि आज की हमारी गुफ्तगू में मिस हो रही है और उसको आज के शो में शामिल होना चाहिए, प्लीज़. ताहिर साहब, क्योंकि आपका जो चैनल है ये बहुत हमारे इंडियन एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग बहुत फॉलो करते हैं और आई थिंक जो इंडिया सिख पॉपुलेशन ऑल्सो अक्रॉस कैनेडा फॉलोज इट, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे आए, वो चाहे पाकिस्तानी डायस्पोरा के हैं चाहे इंडियन डायस्पोरा के हैं, प्लीज़ आगे आए और नफरत से लड़ें. आप कैनेडा में बैठ के कुछ लोग आप इंडिया के लोगों को वरगलाएं, आप उनके ऊपर फिर पुलिस केसेस होंगे, उनके ऊपर ऑफ कोर्स लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. आप वहां बैठ के भारत के लोगों को ना भड़काएं. एंड आई मेक एन अपील टू पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो हु वांट टू वर्क फॉर पीस इन द सब कॉन्टिनेंट, हु बिलीव इन रैशनैलिटी एंड हु बिलीव कि मिल के हम लोग जो है वो कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और हमारे जो इश्यूज हैं वो रिलीजन और ये गजवाए हिंद जैसी चीज़ें छोड़ के होने चाहिए. विमेन राइट्स, हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसे हम उनके लिए बेटर यू नो कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो अच्छे से अच्छी तालीम ले सकें. जो हमारे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में स्ट्रीट चिल्ड्रन का बहुत प्रॉब्लम है, इनके साथ बेचारे बच्चों के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है और इस पर बहुत कम काम हो रहा है. I think we should unite on those issues or that's about it. मैं यही चाहूँगी कि जो भी लोग हमारी बातचीत को हमारी गुफ्तगु को देखें वो realize करें कि love is supreme and together we can do a lot of things which if we keep fighting we won't be able to do. तो सब अच्छे लोग इकट्ठे हों और अच्छा करें, that's about it. बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके वक्त देने का. मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ मैंने आपकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की, हमारे व्यूअर्स भी ये कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हफ्तों में आपसे फिर रिक्वेस्ट करें और आपका फिर समय लें, चूँकि आप जैसी जो क्लैरिटी ऑफ थाट के साथ सोचने वाली हस्तियाँ हैं वो ख़ासतौर पर यंग जनरेशन में वो हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच अगेन. थैंक यू ताहिर साहब. थैंक यू. विल स्पीक अगेन. बातचीत हम कर रहे थे सोनम महाजन जी से और आपको व्यूअर्स बिल्कुल अंदाज़ा हुआ होगा कि उनकी बातें जो मेरा क्लेम है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट के पेडेस्टल पर कितनी इम्पॉर्टेंट हैं. और मैं ये समझता हूँ कि हमें सोनम महाजन और उन जैसे सोचने वाले जो बैलेंस सोच रखते हैं उनकी बातें सुननी भी चाहिए और जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उसको भी लेकर आगे जाना चाहिए. आज का बिला तकल्लुफ तजिया,
ताहिर गोरा के साथ टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।